धौलपुर में आखातेज के मौके पर ओंडेला रोड स्थित रिको क्षेत्र में हुए सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन में बाल विवाह करवाने का मामला सामने आया। वहीं छायांकन जन चेतना एनजीओ के बैनर तले हुए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में महिला कल्याण अधिकारी ने 2 बाल विवाह रुकवाए हैं। साथ ही 23 जोड़ों में से 10 नाबालिगों के विवाह करवाए जाने की आशंका जताई गई। जिला प्रशासन के नाक के नीचे हुए बाल विवाह को रोकने के लिए जहां महिला कल्याण अधिकारियों ने अकेले पहुंचकर बाल विवाह रुकवाए, तो वहीं दूसरी ओर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने बाल विवाह को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। आपको बता दें कि महिला कल्याण अधिकारी कनुप्रिया कौशिक को एनजीओ की ओर से 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में ज्यादातर बाल विवाह करवाए जाने की सूचना बरामद हुई। ऐसे में मौके पर पहुंची महिला कल्याण अधिकारी 2 जोड़ों की शादी रुकवाने में सफल हो पाई। हालांकि कुछ जोड़ों की शादी उनके पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। आज जिले में कई जगह एनजीओ द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें कि हमें एक गुप्त सूचना से ये पता चला कि छायांकन जन चेतना जो एनजीओ है वो एक सामूहिक विवाह करवा रही है, जो कि ओडेला रोड स्थित हनुमान मंदिर के पीछे कराया गया, जिसमें कि हमें यह सूचना मिली थी कि 14 वर्षीय एक बालिका का बाल विवाह कराया जा रहा है, जिसे कि हम रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचे और हमने जाकर वहां पर मौके पर जाने के बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा और उसके बाद हमें कई ऐसी बच्चियां मिली जो बाल विवाह जिनका होने जा रहा था। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।